एवरीवन, आई एम सकलेन रजा फ्रॉम बीएचयू पाठशाला। आज हम एक नई सीरीज के साथ आए हैं जहाँ पे हम जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 2017 से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि जनरल अवेयरनेस के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कम्युनिस्ट बिलीव इन, कम्युनिस्ट मानते हैं लेजर्स फेयर, स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मिक्सड इकोनॉमी, ऑप्शन डी हमारा होगा प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, बाकी ऑप्शन के बारे में मैं आप लोग को बताता चलूँ। लेजर्स फेयर का माने होगा कि हमारी गवर्नमेंट का जितना कम इन्वॉल्वमेंट हो इकोनॉमी में, उतना ही बिजनेस सक्सेसफुल होगा। दूसरा ऑप्शन है स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन होंगे वो सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट के ही हाथ में होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होगा दोस्तों, प्राइवेट इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी दोनों जब एक साथ हो जाएंगी तो उनको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो होप दोस्तों आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हमारे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बताते चलूँ आप लोग को, सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे कमेटी के पहले प्रेसिडेंट बने थे, जो कि इस बेसिस पे बने थे कि उस समय ये उस कमेटी के मेंबर्स में सबसे ज़्यादा उम्र वाले थे। बी एन राव हमारे जी थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारे कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे देश के, और बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे कमेटी के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर टू हैव बिन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय, संविधान को किसके द्वारा अपनाया और अधिनियमित घोषित किया गया? ऑप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट वेन इट वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट इन ईयर 1953? वर्ष 1953 में जब आंध्र स्टेट को एक नए राज्य की दर्जा मिला था, तो उस वक्त इसकी कैपिटल यानी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन हमारे हैं गुंतूर, कुरनूल, नेल्लोर, वरंगल। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, कुरनूल। दोस्तों इन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता चलूँ। गुंतूर आंध्र प्रदेश में आज के समय स्थित है और ये कृष्णा नदी के आसपास में है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कुरनूल, कुरनूल आप जानते ही हैं अभी आंध्र प्रदेश में ही है, और तुंगभद्रा रिवर के किनारे है ये। और नेल्लोर हमारा पन्नर रिवर के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे धान की खेती काफ़ी की जाती है। हमारा अगला ऑप्शन है वरंगल, वरंगल वर्तमान समय में ये तेलंगाना में स्थित है और ये कभी किसी समय कक्कैया डायनेस्टी का कैपिटल भी हुआ करता था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, भारत का संविधान मानता है, ऑप्शन हमारे हैं ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। दोस्तों हमारा संविधान सिर्फ दो ही माइनॉरिटीज़ को दर्जा देता है, पहला होगा रिलीजियस यानी धार्मिक माइनॉरिटीज, दूसरा लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको। हमारे देश में कोई भी एथनिक माइनॉरिटीज़ को दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव द सेंक्शन ऑफ, मौलिक अधिकारों की स्वीकृति है, हमारे ऑप्शंस हैं द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, मेजॉरिटी ओपिनियन, द गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा इनकी स्वीकृति है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मेजॉरिटी ओपिनियन और गवर्नमेंट के बारे में तो बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं, आप लोगों को तो मालूम होगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पर्पज़ ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश, संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? हमारे ऑप्शन हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में बता दूँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनीतिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेटिक मतलब
सामाजिक लोकतंत्र, गांधीन डेमोक्रेसी का मतलब होता है गांधी लोकतंत्र, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है हमारा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से बिलोंग करता है, तो ये पार्ट 4 से बिलोंग करता है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज प्रेसिडेंट, द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन आर परफॉर्म बाई, जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सभापति के कर्तव्यों को पालन कौन करता है। हमारे ऑप्शंस हैं हिमसेल्फ, अ न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, मेंबर ऑफ राज्यसभा डेलीगेटेड बाय चेयरमैन, तो वो खुद या एक नया चेयरमैन निर्धारित होगा, या उप चेयरमैन, या कोई एक राज्यसभा का मेंबर जो कि चेयरमैन के द्वारा सेलेक्टेड होगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, द डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन के द्वारा चेयरमैन का ओहदा देखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कुचिपुड़ी कहाँ का ये लोक नृत्य नृत्य है, तो हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इन ऑप्शंस में चार राज्यों को मेंशन किया गया है, तो मैं चाहता हूँ इन चार राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता चलूँ। तो पहला ऑप्शन अगर उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के गवर्नर गदेशी लाल हैं, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं जो कि चौथे सीएम इस बार सेलेक्ट हुए हैं, और यहाँ का फेमस डांस है गोटी पाओ मेधा नाचा। अब अगला ऑप्शन हमारा केरला है, केरला के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरला की राजधानी त्रिवनंतपुरम है, यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन हैं, यहाँ का डांस फॉर्म जो फेमस डांस फॉर्म है कथकली। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, इसके गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंद हैं, यहाँ के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और यहाँ का डांस फॉर्म तो आपको मालूम है कुचिपुड़ी है। अब अगले ऑप्शंस कर्नाटका पे आते हैं, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ के सीएम बसवराज बोमाई हैं, गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, यहाँ का फेमस जो डांस है लोक नृत्य और कठपुतली कला है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें करें, और होप उम्मीद है कि आप सभी इसको जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द 11th 5-year plan पीरियड एंड, हमारा 11वां पंचवर्षीय योजना कब ख़त्म हुआ, तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 2009, 2010, 2011, 2012। करेक्ट ऑप्शन इज 2012 डी। अच्छा दोस्तों अभी फ़िलहाल कौन सा 5-year plan चल रहा है, एनी गेस, आप लोग इसे कमेंट करके बताएं मुझे, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं, जो जो करेक्ट होगा उनको लाइक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, USA हैज़ आस्क इंडिया टू रिड्यूस इट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल सप्लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अमेरिका ने भारत को किस देश से कच्चे तेल की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने की सलाह दी है, यानी मना किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, इराक, लीबिया, ईरान। तो दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को डिटेल्स देना चाहूँगा। पहला ऑप्शन हमारा वेनेजुएला, वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल कैरेकस है, यहाँ की करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। अगला ऑप्शन हमारा इराक है, इराक एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल बगदाद है, करेंसी इराकी दिनार है। अगला ऑप्शन हमारा है लीबिया, लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल त्रिपोली है, इसकी करेंसी लीबियन दिनार है। अगला ऑप्शन हमारा है ईरान, ईरान एक एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल तेहरान है, और इसकी करेंसी ईरानी रियाल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ईरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रीटी ऑफ संगापट्टनम वॉज साइन बिटवीन, संगापट्टनम की संधि इनके बीच में की गई थी। तो पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान एंड नवाब हैदराबाद, टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश, टीपू सुल्तान एंड रानी ऑफ झांसी, टीपू सुल्तान एंड फ्रेंच। हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान एंड नवाब ऑफ हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोलार गोल्ड माइंस आर इन दिस स्टेट, कोलार सोने की खदान कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन
ए कर्नाटका। दोस्तों फिर से मैं चाहूँगा कि इन ऑप्शंस के बारे में कुछ डिटेल्स दे दूँ। तो हमने कर्नाटका और उड़ीसा को कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, अब आते हैं बिहार और मध्य प्रदेश को एक्सप्लेन करते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है, इसके गवर्नर फागू चौहान है और यहाँ के जो CM फिलहाल है नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इसके गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं और इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म वाइट एलिफेंट इज यूज टू डिनोट, ये टर्म वाइट एलिफेंट से क्या तात्पर्य है? हमारे ऑप्शंस हैं वेरी ब्राइट एंड वाइट आइटम, वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव आइटम, एन आइटम और हेड दैट इज वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, एन आइटम और हेड दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी बजट ऑफ द कंट्री। और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक वस्तु जो कि बहुत ही महंगी होती है उसको मेंटेन करने में, उसको बोलते हैं, उसको डिनोट हम लोग कर देते हैं कभी कभार वाइट एलिफेंट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ, और करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, स्विमिंग। दोस्तों कुछ और बताता चलो इसमें, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, पोलो अर्जेंटाइन का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों मैं चाहूँगा रेसलिंग और स्विमिंग के बारे में आप लोग कमेंट करें, ये कहाँ का नेशनल गेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इंडिया इज अ भारत एक, ऑप्शंस हमारे हैं सेकुलर स्टेट, बाइलिंगुअल स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब आप दोस्तों जानते होंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बाइलिंगुअल द्विभाषी राज्य, कम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला राज्य, कैपिटलिस्ट स्टेट माने पूंजीवादी स्टेट मतलब पूंजीवादी राज्य। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत एक सेकुलर स्टेट है। अगले ऑप्शंस पे आते हैं हम, सॉरी दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। द रियल पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इंजॉयड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय दी, केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र सरकार में वास्तविक शक्ति का आनंद किसके पास है? हमारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट भारत का पहला नागरिक होता है और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है देश का। दो एग्जीक्यूटिव हमारे होते हैं, नॉमिनल एंड सेलेक्टेड इलेक्टेड सॉरी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के उप होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं पब्लिक के द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स की काउंसिल, हमारे जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी काउंसिल को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट, ऑप्शंस हमारे हैं शिमला, सोलार, धर्मशाला, चंडीगढ़। भारतीय इंस्टीट्यूट जो है एडवांस स्टडीज़ का वो कहाँ पे स्थित है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए शिमला। दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, सोलार भी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, धर्मशाला ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, और चंडीगढ़ दोस्तों आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच, फिल्म और एक्टर्स दिए हुए हैं इनको करेक्टली मैच करना है हमको। तो हम दीवार ऑप्शन सी इसमें होगा अमिताभ बच्चन जी की है, शोले ऑप्शन ए सलीम जावेद जी की है, शक्ति ऑप्शन बी दिलीप कुमार जी की है, मुगले आजम ऑप्शन डी नौशाद। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे, उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे, आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।